तो गाइस 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 यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक वाली प्रॉब्लम हो चुकी है। चलो तो मैं सबसे पहले प्रॉब्लम से रूबरू कर आता हूँ। गाइस यार यहाँ पर किसी ने मार डाला है डोरेमोन को। गाइस यार हमारे प्यारे डोरेमोन नीले रकून को किसी ने मार डाला है। और गाइस यहाँ पर हमारे चार सस्पेक्ट है जिनके ऊपर मुझे शक है इन चारों में से ही किसी ने मारा होगा हमारे डोरेमोन को। और गाइस यार सुबह से ये चारों ही उसके साथ है। सबसे पहले चोप, जो भाई पता नहीं डोरेमोन के साथ क्या कर रहा था। आओ मैंने कुछ नहीं किया। और उसके बाद नोबिता जो में से उसके साथ रहता है। फिर शिनचैन अरे से मुझ पे शक कर रहे हो तुम्हारे भाई पर। और गाइस लास्ट में ये स्पंजबॉब, पता नहीं स्पंजबॉब इसके साथ क्या कर रहा है। स्पंजबॉब तो उसका दोस्त भी नहीं है। तो गाइस यार यहाँ पर ये चार सस्पेक्ट है पर मुझे ये नहीं पता इनमें से चारों में से किसने हमारे बेचारे नीले रकून को मारा होगा। इनमें से किसी एक को मिलेगी सजा और हम साथ में मिलकर देंगे उसको सजा। तो गाइस ये है एक टाइम मशीन। मुझे पता है दिखने में कार जैसी पर असल में एक टाइम मशीन है। एक कार टाइम मशीन, तुम्हारा भाई टाइम में पीछे जाएगा और देखेगा आखिर हर करेक्टर हर एक बंदा डोरेमोन के साथ क्या कर रहा था। सबसे पहले शुरुआत करते चोप तुझसे। आओ मैंने कुछ भी नहीं किया है, मेरे दोस्तों से पूछ लो। गाइस यार तुम लोग बताओ इनमें से कौन होगा गुनेगार। तो हम लोग बैठते अपनी टाइम मशीन के अंदर और टाइम में पीछे जाके देखते हैं। गुल 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 गुल। तो गाइस यार यहाँ पर हम लोग आज के टाइम में पीछे। एक सेकंड ये कौन सी जगह है यार, ये तो मैं बीच पे ही हूँ। एक सेकंड गाइस देखो सामने की तरफ वो रहा डोरेमोन, पर चोप कहाँ पर है। चलो यार पास जाके देखते हैं। तो यार ये रहा डोरेमोन और भाई साहब पानी के अंदर है चोप। आखिर यहाँ चल क्या रहा है। आओ डोरेमोन। आइला मैं बता रहा हूँ यार चोप, ऐसे ही तैरेगा तू, एक दिन तैर के तू भी एक नंबर का कुत्ता बनेगा, फिर तेरी भी गर्लफ्रेंड बन जाएगी। आओ पक्का बता दे, ऐसे तैरते ना मैं कहीं डूब ना जाऊं, मुझे पानी से वैसे डर लगता है। अल अल मेरे मुंह में पानी जा रहा है डोरेमोन, अब मेरी मदद तो कर। आई लेट टू टेंशन मत ले, तो इतना खतरनाक स्विमर बनेगा कि तेरी सेटिंग हो जाएगी। आओ तेरी तो गर्लफ्रेंड भी नहीं है, पर तेरे को जब भी तैरना आता है, मतलब तू मेरे को झूठ बोल रहा है क्या। आइला नहीं 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 नहीं। तो गाइस यार यहाँ पर तो एक सिंपल सी बातचीत चल रही दो दोस्तों के बीच में। भाई मेरे को नहीं लगता चोप ने मारा होगा हमारे डोरेमोन को। अरे एक सेकंड गाइस ये क्या। आओ डोरेमोन मैं तेरे को मार डालूंगा, तू मुझे पागल बना रहा है, तुझे तो तैरना भी नहीं आता, मेरे को तू तैरना सिखा रहा है। आइला यार मैं तो मजाक कर रहा था यार, अपन दोनों दोस्त है यार, कैसी बात कर रहे तू। आओ चलो ठीक है कोई बात नहीं, चलते घर पर। गाइस यार इनके बीच में तो कोई लड़ाई नहीं है। तो यार हम लोग वापस आ चुके अपने टाइमलाइन में। तो गाइस यार यहाँ पर क्लियर हो चुका है, जो चोप है वो सिर्फ हेल्प मांग रहा था डोरेमोन से, जिससे यार वो तैरना सीख सके। मतलब यार हमारे चोप ने कुछ भी नहीं किया है। आओ वो तो मैं बोल ही रहा था सुमित, चल तू जा सकता है घर पर। तो गाइस चलो अपने सेकंड सस्पेक्ट पर जाते हैं, वो है नोबिता। तो बताओ नोबिता क्या तुमने मारा है डोरेमोन को। कैसी बात कर रहे हो, डोरेमोन मेरा भाई है, मैं उसे कैसे मार सकता हूँ। क्या पता तू कोई ये गैजेट मांग रहा हो जो डोरेमोन तुझे ना दे रहा हो, उसके लिए तूने उसे मारा हो। वो तो सब पता लग जाएगा जब मैं टाइम में पीछे जाऊंगा। तो चलो गाइस यार गाड़ी के अंदर बैठते हैं। और ये ओ भाई साहब लो यार हम लोग आज को टाइम में पीछे और गाड़ी नहीं पता कहाँ अटक चुके। ओ यार ये तो ऑडिटोरियम है। और गाइस यार डोरेमोन इतनी दूर आखिर क्या करने आया, मेरे को लगता है इतनी दूर बुलाकर नोबिता उसे मारना चाहता। और गाइस ये क्या, डोरेमोन तो ऑलरेडी मर गया। अब नहीं यार वो सिर्फ ऐसे पुशअप्स मार रहा, मेरे को लगा मर गया। आखिर क्या चल क्या रहा है, पर सुनते हैं। डोरेमोन अगर तुम अच्छी एक्सरसाइज करोगे तो तुम्हारे ही भी मीचेन गर्लफ्रेंड बन जाएगी, मुझे पता है कि मीचेन को तगड़े लड़के पसंद है, अगर तुम्हारे भी डोले में शोले आ जाएंगे तो मीचेन तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन जाएगी। आइला यार तू कितना अच्छा है यार, तू मेरी मदद कर रहा है यार, तू बहुत अच्छा है, मेरा भाई है नोबिता तू। डोरेमोन मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा तो कौन करेगा। आइला तू भाई भी बहुत अच्छा है। चलो डोरेमोन अगर तुमने नहीं की अच्छी पुशअप्स तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, अच्छे से करो। गाइस यार यहाँ पर तो भाई धमकी दी गई साफ साफ, नोबिता ने धमकी दी डोरेमोन को, अगर उसने अच्छे से पुशअप्स नहीं की तो वो उसे मार डालेगा। पर गाइस यार अभी इन चीजों में टाइम है। तो गाइस यार जब तक डोरेमोन यहाँ पुशअप्स लगाता है हम लोग वापस टाइमलाइन में चलते हैं। तो गाइस यार हम लोग वापस आ चुके हैं। तो गाइस यार यहाँ पर अभी सस्पेक्ट है नोबिता के ऊपर। तो गाइस यार नोबिता तू यहाँ से अभी नहीं जा सकता। अरे मैंने कुछ नहीं किया, वो तो टाइम बताएगा। तो गाइस यार अभी मेरे को शक है अपने नोबिता के ऊपर। तो बारी आई शिनचैन की। अरे समित भैया मैंने कुछ नहीं किया, मैं बता रहा हूँ यार मैं तो तुम्हारा चड्डी में बड्डी हूँ। अरे शिनचैन वो तो टाइम बताएगा। तो गाइस यार अब चलो देखते हैं टाइम अंदर वापस जाकर क्या यार शिनचैन ने तो कहीं पर नहीं मारा है डोरेमोन को। लो भाई सब हम आ चुके हैं यहाँ पर। अरे गाइस ये क्या, ये रहा डोरेमोन और ये रहा शिनचैन और ये लोग मुझे देख नहीं सकते। आप लोगों को एक और चीज बता दूं। ओके गाइस चल क्या रहा है यहाँ पर। अरे क्या तेरी ऐसी तैसी रकून डॉग, तू क्या बोल रहा है, ये तेरी झूला है, मैं यहाँ पर बचपन से खेलता आ रहा हूँ, चुपचाप मेरी झूला में से बाहर निकल लिया, ये मेरा गार्डन है, यहाँ पर मैं डेली आता हूँ खेलने के लिए, तू चाहे किसी भी गली के कुत्ते से पूछ ले ठीक है ना। आइला मैं किसी गली के कुत्ते से क्यों
खोलूंगा। तू होता कौन है मेरे को यहाँ से निकालने वाला? आज से मैं यहाँ खेलूंगा, तू चला जा यहाँ से। हाईला बता रहा हूँ मैं तेरे को बहुत बुरा मारूंगा। क्या बोला? मेरे को धमकी दे रहा है? तू जानता नहीं मैं कौन हूँ? मैं हूँ सिंचन हुआरा और मैं 5 साल का हूँ और मुझे शिमला मिर्च पसंद नहीं है। पर अगर जिस दिन मैं शिमला मिर्च खा लूंगा ना, तो इतनी तेज पा दूंगा कि तू मर जाएगा। तू गाइस यहाँ पर भाई मारने की धमकी दी गई सिंचन द्वारा। क्या सिंचन ने मारा है? तो गाइस यार इन दोनों के बीच में भी लड़ाई चल रही झूलों को लेकर कि यार कौन झूले का यहाँ पर। तो गाइस यार मेरे को लगता है इन झूले के ऊपर क्या पता सिंचन ने डोरेमोन को मार डाला हो। गाइस ये क्या भाई, ये दोनों कहाँ चले गए? अबे यही तो थे अभी झूला के पास। अरे वो रहे देखो सामने क्या चल रहा है। अरे अरे यार मुझे माफ कर दे यार, अरे मुझसे गलती हो गई। अरे नहीं, अब तो मैं तेरे खोपड़ा खिला दूंगा, बता रहा हूँ तेरे को, तूने मेरी बेइज्जती की है। आइला मुझे माफ कर दे यार, सिंचन माफ कर दे यार। गाइस यार यहाँ पर मेरे को लगता है भाई सिंचन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका है। गाइस यार देख रहे हो इसके साइड में तो एक बैट रखा है। क्या भाई सिंचन डोरेमोन को इस बैट से मार डालेगा? आइला मुझे माफ कर दे, मैं कभी भी यहाँ पर वापस खेलने नहीं आऊंगा। अरे प्लीज सिंचन माफ कर दे, तूने मेरी बेइज्जती की है, मैं तुझे मारे बिना नहीं छोड़ने वाला। तूने मेरी चीजों पर कब्जा करने की कोशिश की है। अरे अरे क्या कर रहे हो बच्चे, छोड़ दो डोरेमोन को। हाँ छोड़ दो डोरेमोन को। अरे गाइस यार क्या करूँ, चलो छोड़ ही देता हूँ, पर रकुंडो का आगे से यहाँ से आए ना तो बता रहा हूँ छोड़ूंगा नहीं। आहिला शुक्रिया यार, चल मैं यहाँ से जा रहा हूँ, आगे से कभी भी नहीं यहाँ पर नहीं आऊंगा। तो गाइस यार यहाँ पर ये भी क्लियर होता है यार इन दोनों की लड़ाई सुलझ गई। मतलब यार सिंचन ने भी डोरेमोन को नहीं मारा है। आखिर मारा तो मारा किसने? अभी यार हमारा एक सस्पेक्ट और बाकी है। चलो यार टाइम में वापस चलते हैं। तो गाइस यार हम लोग वापस आ चुके टाइम के अंदर। सिंचन तूने भी नहीं मारा डोरेमोन को? अरे मैं तो बोल ही रहा था, वो तो रकुंडोग मेरे साथ लड़ रहा था मेरे झूलों के ऊपर। सिंचन तू जा सकता है, पर तुमने मेरे पर झूठा इंजाम लगाया। सुमित भैया आप वीडियो को लाइक करवाओ और जल्दी से सब्सक्राइब करवाओ। गाइस यार माफी मांगता हूँ सिंचन तेरे से, और गाइस यार तुम लोग भी माफी मांग लो सिंचन से। वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करते हो। और यहाँ पर देखते हो स्पंजबॉब ने कहीं मारा है नहीं मारा है। स्पंजबॉब नहीं मारता। देखते हैं स्पंजबॉब क्या तूने मारा या नहीं मारा। तो चलो गाइस यार गाड़ी के अंदर जल्दी से बैठता हूँ और जाके देखता हूँ क्या स्पंजबॉब ने तो नहीं मारा है डोरेमोन को। तो गाइस यार मैं टाइम में वापस आ चुका हूँ। पर गाइस ये क्या, ये कौन सी जगह है? अरे ये तो लॉस सैंटोस से काफी दूर है, ये तो असल में यार रेस ट्रैक है। और ये रहा, ओए देखो डोरेमोन यार यहाँ पर, ये यहाँ पर क्या कर रहा है? आइला बोल स्पंजबॉब, तूने मेरे को यहाँ पर क्यों बुलाया है? तुझे पता है मैं कितना ज्यादा बिजी रहता हूँ, तूने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया? स्पंजबॉब ने तुम्हें यहाँ पर इसलिए बुलाया क्योंकि स्पंजबॉब के पास एक नई रेसिंग कार है, तुम उसे देख के जल जाओगे। स्पंजबॉब के पास नई लवेली, देखो फरारी है, स्पंजबॉब की फरारी है। आइला क्या गाड़ी है तेरे पास स्पंजबॉब, कहाँ से लाया? मैं तुम्हें क्यों बताऊँ, मेरी गाड़ी बहुत ज्यादा तेज है। और डोरेमोन अब तुम्हें मैं से चला के दिखाता हूँ कि कितनी ज्यादा खतरनाक है। आइला एक काम कर, तू तो अपना काम कर यार, जाके इतनी टट्टी सी गाड़ी ले रखी है, मेरे को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, चल भाग यहाँ से। ओ गाइस यार यहाँ पर असल में स्पंजबॉब की गाड़ी को डोरेमोन ने बहुत ज्यादा गंदा बताया, टट्टी सी गाड़ी बताया। और गाइस ये क्या कर रहा है यहाँ से? मेरे को लगता है स्पंजबॉब यहाँ से जा रहा है। गाइस देखते हैं यहाँ पर क्या होने वाला है। ओ ये क्या भाई, स्पंजबॉब ने वापस गाड़ी घुमाई है क्या? अब यहाँ स्पंजबॉब अपनी गाड़ी का बदला लेने के लिए, मतलब अपनी गाड़ी का बेइज्जती का बदला लेने के लिए डोरेमोन को यहाँ पर टक्कर मार के मारने वाला है, यही होने वाला है गाइस यहाँ पर। ओ नहीं यार टक्कर नहीं मारी यहाँ पर। आइला अब क्या कर रहा है तू? तुमने स्पंजबॉब की गाड़ी को बेकार बोला, देखो तुम कितनी तेज चलती है स्पंजबॉब की गाड़ी। गाइस यार यहाँ पर तो मेरे को लग रहा है कि एक बार ऐसा सीन जरूर होने वाला है जब यार स्पंजबॉब टक्कर मार के डोरेमोन को मार डालेगा। ये मारा गाइस यार फिर से मिस हो गया। वह मारना है तो मार दे यार, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। चलो गाइस यार मेरे को लगता है इस बार तो स्पंजबॉब जरूर इसको टक्कर मार के मार डालेगा, मेरे को तो ऐसा ही लग रहा है। आइला क्या कर रहा है, अबे नहीं यार इस बार भी इसने नहीं मारा इसको भाई, इस बार लगता है मेरे को ये उसको उड़ा देगा काफी स्पीड में, गाड़ी लेके जा रहा है, ये खत्म हो गया। अरे यार अब भी नहीं मारा, कहाँ के चल क्या रहा है यहाँ पर। आइला अबे यार तू किसको भगा के दिखा रहा है गाड़ी? क्यों क्या तुम डर गए? आइला मेरे को तेरी गाड़ी में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, किसको भगा के दिखा रहा है तू? डोरेमोन मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरी बेइज्जती की है स्पंजबॉब की, मैं तुम्हें मार डालूंगा। तो गाइस यार यहाँ पर तो इन दोनों के बीच में ऐसे छोटी मोटी दोस्त वाली लड़ाई हो रही है, मेरे को नहीं लगता कि स्पंजबॉब ने मारा हुआ डोरेमोन को। तो गाइस यार एक काम करता हूँ मैं, अपनी टाइम लाइन में अब वापस जाता हूँ और अब ये देखना है मुझे कहीं यार नोबिता ने तो नहीं मारा है डोरेमोन को। चलो गाइस यार जाके देखते जल्दी सी, लेट्स गो। तो गाइस लो यार हम लोग अपनी टाइम लाइन में वापस आ चुके, मतलब प्रेजेंट टाइम के अंदर, पास्ट में गया था अब मैं वापस आ चुका हूँ जो हमारा बिल्कुल अभी जो हमारा टाइम चल रहा था। तो गाइस यार यहाँ पर एक बच्चा है स्पंजबॉब, क्या इसने मारा है पता नहीं चल रहा अभी तक, पर इसने भी मारने की धमकी दी है डोरेमोन को। दूसरी तरफ नोबिता ने भी डोरेमोन को मारने की धमकी दी है। मैं बता रहा हूँ मैंने कुछ नहीं किया। तो चलो गाइस यार एक काम करते हैं, एक बार हम फिर से पास्ट में चलते हैं और देखते हैं नोबिता अब क्या कर रहा है डोरेमोन के साथ। तो गाइस यार अभी हम लोग वापस
आ चुके पास्ट के अंदर, पर गाइस ये वाला पास्ट थोड़ा अलग है क्योंकि अब मैं और थोड़ा पास्ट में फ्यूचर में आया, मतलब समझो जब डोरेमोन थोड़ा ओवर टाइम स्पेंड कर रहे हैं नोबिता के साथ। पर गाइस यार एक सेकंड, ये जगह कौन सी है? ओ यार मेरे को अब थोड़ा पता चल रहा है, ये तो असल में गोल्फ कोर्ट है यार। आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है? मेरे को यहाँ पर लगता है ये छत पर मार देगा इसको। ओ गाइस यार देखो, और रहा डोरेमोन और वो रहा नोबिता, देखता हूँ यहाँ पर क्या चल रहा है। मेरे को लगता है डोरेमोन को अब नोबिता मारने वाला है। डोरेमोन अगर तुम इस बार रुक गए ना तो मैं बता रहा हूँ तुम्हें अपनी मशीन गन से मार डालूंगा। अरे यार तू इतना ज्यादा सीरियस क्यों हो रहा है? मैं कर रहा हूँ ना पुशअप्स। डोरेमोन रुकना मत वरना तुम्हें मैं मार डालूंगा अपनी मशीन गन से। आइला कर रहा हूँ यार, तो टेंशन क्यों ले रहा है? मैं इतनी ज्यादा जिम करूंगा कि मजा आ जाएगा। डोरेमोन शाबाश, वेरी गुड, तुम मेरे अच्छे भाई हो, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। आइला अरे कोई बात नहीं, अब देख मीचेन मेरे पीछे पागलों की तरह घूमेगी, पागलों की तरह। शाबाश डोरेमोन। तो गाइस यार यहाँ पर ये मेरे को भी नहीं लग रहा कि डोरेमोन को भाई नोबिता मारने वाला है। अरे गाइस यार, अरे ये कैसी आवाज थी? ओ नो गाइस यार, किसी ने मिसाइल से यार हमला किया है डोरेमोन और नोबिता के ऊपर। नोबिता गाइस यार, नोबिता बेहोश हो चुका है, मतलब यहाँ पर डोरेमोन मारा जा चुका है। और गाइस ये है स्पंजबॉब। मैंने मेरा बदला ले लिया, मेरी गाड़ी को बेकार बोला था ना। और रही बात मीचेन की, मीचेन सिर्फ मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं हर एक को मार दूंगा जो भी मीचेन और मेरे बीच में आएगा। स्पंजबॉब। ओ नो गाइस यार, यहाँ पर तो कातिल है स्पंजबॉब। स्पंजबॉब ने मारा हमारे बेचारे डोरेमोन को और गाइस यहाँ पर हमला किया नोबिता के ऊपर। पर गाइस यार नोबिता बता नहीं पाया क्योंकि यार वो डर रहा था स्पंजबॉब से। डोरेमोन तो गाइस यहाँ पर क्लियर हो चुका है, डोरेमोन मारा जा चुका है और हमारा नोबिता बेहोश हो चुका है। उसको ये भी नहीं पता था कि आखिर किसने उनके ऊपर हमला किया। तो गाइस यहाँ पर साफ एंड क्लियर है, स्पंजबॉब ने उसको मारा है। अब मैं स्पंजबॉब को छोड़ूंगा नहीं। ये ले स्पंजबॉब, तुझे भी मार दूंगा। गाइस यार इसने मेरे ऊपर भी हमला करने की कोशिश की, पर गाइस तुम्हारे भाई ने स्पंजबॉब को यहाँ पर मार डाला है। और गाइस यहाँ पर हमने बदला ले लिया है अपने डोरेमोन दोस्त की मौत की। गाइस यार स्पंजबॉब एक नंबर का गद्दार था, उसने हमारे डोरेमोन को मार डाला। तो गाइस यार फाइनली, तो गाइस सबको मैंने न्याय दिला दिया है, डोरेमोन का कातिल पकड़ा जा चुका, उसको मैं जेल भिजवाऊंगा, 100 साल तो उसको जेल में रखूंगा। पर गाइस यार तुम लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार भूले बट कह दिया सब्सक्राइब कर देना। और गाइस यार हम मिलेंगे इसको नए गेम प्ले में नई स्टोरी साथ, जब तक ले सायोनारा।